तो गैजेट जोन में आज शुरुआत करेंगे दोस्तों इस गैजेट से जो देखने में तो एक बेसबॉल बैट जैसा है बट एक्चुअल में भाई बहुत खतरनाक है। अगर आप पर 3-4 लोग एक साथ हमला कर दे तो आपको टोटली प्रोटेक्ट भी कर सकता है ये। इट्स अ टैक्टिकल स्टन गन फ्लैश लाइट। यही ये जो इसकी फ्लैश लाइट आगे लगी हुई है इसी पार्ट से आप इलेक्ट्रिक शॉक देकर अटैकर को स्टन कर सकते हो। इट्स अ सेल्फ डिफेंस गैजेट दोस्तों जो आपके बैकपैक में इजिली आ जाएगा। तो इसे यूज करना तो बहुत आसान है, सिंपली अटैकर की तरफ इसे पॉइंट करो, बटन दबाओ एंड इट विल शॉक द बैड गाय। तो इमरजेंसी सिचुएशंस में डेफिनेटली ये आपको डिफेंड कर सकता है। वहीं केवल 100 रुपए के इस गैजेट की बात करें तो इट विल लाइट योर वे। ये है एक कीचेन फ्लैश लाइट जो साइज में मिनी है, बेहद कॉम्पैक्ट है बट इसकी ब्राइटनेस अनदर लेवल पर है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसे इसके कैरेबिनर की मदद से आप इंस्टेंटली अपनी चाबी के गुच्छे में लगा सकते हो, निकाल भी सकते हो। बट अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही LED है तो अब ये देखो, इसे एक्सपैंड करने पर 2 LED साइड में एंड एक मिड में, यानी टोटल 3 LEDs इसमें रहती हैं जो जब एक साथ ग्लो करेंगी तो मतलब काफी ज्यादा ब्राइटनेस मिल जाती है इससे। नॉर्मली ग्लो करने के अलावा ये स्ट्रोब लाइट्स की तरह ब्लिंक भी कर सकती है एंड इसे आप टाइप सी केबल से कर सकते हो चार्ज फास्ट स्पीड में। एंड ये है दुनिया का सबसे ऑसम लैपटॉप स्टैंड, क्योंकि स्टूडेंट से लेकर जॉब पर्सन लैपी ऑलमोस्ट हर कोई यूज करता है आज की डेट में। बट इस लैपटॉप स्टैंड में ऐसा खास क्या है जो सब इसकी तारीफ करते हैं? वो खास फीचर इसका ये है दोस्तों कि इसमें लैपी को रखने के साथ साथ आप अपने स्मार्टफोन को भी रख सकते हो, सो दैट आप दोनों डिवाइसेस का यूज साइमल्टेनियसली यानी एक साथ कर पाओ। एक ही टाइम पर दोनों डिवाइसेस आपकी आंखों के सामने रहेंगे ना, तो आपसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी मिस नहीं होगा कभी ना लैपटॉप से ना फोन से। प्लस इसमें लैपी ही नहीं टैबलेट वगैरह भी लगाकर यूज कर सकते हो आप। प्राइस की बात करें तो वो इसका काफी कम रहेगा, सिर्फ 300 रुपए। ये रहा एक ऐसा टॉय जो सिर्फ एक व्हील पर, एक छोटे से पहिए पर अपना बैलेंस परफेक्टली बनाकर पतली से पतली रस्सी इवन थ्रेड पर भी चल सकता है। इसे आप किसी भी पतली सी जगह पर जब रखोगे तो ये गिरेगा नहीं, बस बैलेंस बनाकर उस पर चलने लग जाएगा। इवन आपकी फिंगर की टिप पर भी खड़ा हो जाएगा बैलेंस बनाकर। तो भाई कहने के लिए तो ये एक टॉय है बट यार फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये दी बेस्ट गैजेट एवर है। अब ये गेस करिए कि ये गैजेट क्या है, क्या करता है? नहीं समझ आ रहा, चलो मैं बता देता हूँ यार। ये एक टाइटेनियम अलॉय नाइफ है बट इसकी बनावट बिल्कुल ही सीक्रेट टाइप की है। वैसे इसमें आपको नाइफ तो दिखी नहीं रही होगी, देखो एक साइड में एक शार्प ब्लेड जैसा पार्ट दिख रहा है ना, कर्व्ड है, जो वही जो इसकी ब्लेड है वही नाइफ है दोस्तों। और इसे फोल्ड करके आप सेफली अपनी पॉकेट में स्टोर कर सकते हो एंड जरूरत पड़ने पर अनफोल्ड करके इसका यूज किया जा सकता है। और फ्रेंच फ्राइज खानी हो तो बाहर से मंगाने की जरूरत ना है रे छोरे, एक बार बस ये इलेक्ट्रिक फ्राइज कटर मंगा लो, इसमें आलू रखो, छील के रखना और इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। इधर से आलू डालो उधर से फ्राइज कट करके निकालने लगेगा ये। एंड फ्राइज भी ये काफी एक्यूरेट शेप में कट करता है, तो इस गैजेट की हेल्प से जब चाहो तब फ्रेंच फ्राइज के मजे ले सकते हो आप। प्राइस है सिर्फ 150 रुपए। और भाई 100-150 रुपए में वैसे तो मतलब बहुत कोई ज्यादा अमेजोन पर गैजेट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, कुछ ही मिलेंगे जो मैं आपको दिखाता हूँ। और वैसा ये एक जरूरी गैजेट, ये किक स्टैंड भी है, काफी सस्ता एंड काफी यूजफुल रहेगा हर एक स्मार्टफोन यूजर के लिए। इसे पील करके आपको सिंपली अपने फोन के एकदम नीचे साइड लगा लेना होगा एंड लगाते टाइम ध्यान देना ये एकदम स्ट्रेट अलाइंड होकर लगे। और एक बार जब ये फिक्स हो जाए फिर इसे ऐसे ओपन करके आप एक फोन स्टैंड की तरह से यूज कर सकते हो। किक स्टैंड स्टैंड कह लो जो कह लो एक ही चीज है। वीडियो देखते टाइम, वीडियो कॉल्स करते टाइम आप फोन को इस पर टिका कर रख दोगे तो आपके हाथ फ्री रहेंगे, फोन को पकड़ कर नहीं बैठना पड़ेगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि इफ योर फोन हैज वायरलेस चार्जिंग फीचर तो ये उसमें भी कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा, मस्त फोन को एज यूजुअल चार्ज करते रहो। इसकी एंड बाकी सारे गैजेट्स की लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप उन्हें ले सकते हो। अब जैसे कैप्टन यूज करते हैं शील्ड अपनी बॉडी को अटैक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही ये छुटकी शील्ड से आप अपनी फिंगर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो नाइफ से कुछ भी कट करते टाइम। ये फिंगर गार्ड्स बने होते हैं स्टेनलेस स्टील से, इन्हें ऐसे फिंगर के ऊपर पहन लो, उसके बाद वेजिटेबल्स फ्रूट्स या कुछ भी मतलब कट करते टाइम आपकी फिंगर्स सेफ रहेंगी, नाइफ से एक्सीडेंटली कटने वटने का डर नहीं रहेगा भाई, एकदम मस्त कटिंग करते जाओ बिना टेंशन के। तो ये फिंगर गार्ड्स मेरे ख्याल से हर किचन में होना जरूरी है, काफी सस्ता भी है ये, इसका प्राइस भी है ऐसे अराउंड 150 रुपए के आसपास। रूम के लुक्स कैसे हैं ये चीज डिपेंड करती है लाइटिंग पर, लाइटिंग से गंदे रूम को भी काफी अच्छे लुक्स दिए जा सकते हैं। तो ऐसी एस्थेटिक लाइटिंग एटमॉस्फेयर के लिए आप ये स्टार प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हो। इसमें टोटल 16 डिफरेंट कलर्स रहते हैं, ये पूरे रूम में वॉल्स
प्लस सीलिंग पर भी चारों तरफ ऐसे स्टार्स एंड गैलेक्सी प्रोजेक्ट कर देता है जो धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। चाहो तो इसे अपने गेमिंग सेटअप के साथ गेमिंग रूम में भी लगा सकते हो, आप लिटरली कहीं पर भी लगा सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। हाँ, यूज करने के लिए आपको इसे एक यूएसबी केबल से कनेक्ट करना होगा बस, और साइज भी इसका कॉम्पैक्ट है तो ज्यादा जगह भी नहीं लेगा ये, टेबल वगैरह पर कहीं भी इजिली रख सकते हो इसे आप, एंड इसका प्राइस है 500 रुपए के अप्रॉक्स। अब देख लेते हैं एक अटपटा सा फिजेट स्पिनर जिसका शेप साइज सब कुछ एक ऑर्डिनरी स्पिनर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहता है। ये बना होता है ब्रास से और छोटे छोटे गियर्स एक छोटे से क्यूब के चारों ओर इसमें लगे रहते हैं। इन्हीं गियर्स को पकड़कर ये क्यूब स्पिन किया जा सकता है, या फिर आप चाहो तो क्यूब्स को पकड़कर इन गियर्स को स्पिन कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस रहेंगे। बट चौंकाने वाली बात तो ये है कि साइज में इतना मिनी होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा स्मूथली स्पिन करता है विद जीरो नॉइस। मार्वल से लेकर डीसी फैंस के लिए ये रहे दी बेस्ट फोन केसेस। ऑल्दो आपको बता दूं भाई, इसमें एवेंजर्स से लेकर जस्टिस लीग के हर एक सुपर हीरो का फोन केस मिल जाएगा आपको, और एक अच्छी चीज ये रहेगी कि केस के मिड में फोन को पकड़ने के लिए ये ग्रिप भी लगी रहती है, तो केस तो फोन को प्रोटेक्ट करेगा ही, प्लस इस ग्रिप से फोन के गिरने की भी टेंशन नहीं रहेगी आपको। अपने फेवरेट सुपर हीरो का फोन केस डेफिनेटली ले सकते हो आप, टोनी से लेकर स्पाइडी और बैटमैन से लेकर सुपरमैन, सारे हीरोज के ये वाले फोन केसेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। कार ओनर्स के लिए सबसे रिस्की एंड सबसे कॉमन प्रॉब्लम है बीच रास्ते में टायर से हवा निकल जाना या हवा का कम हो जाना, और आसपास शॉप ना हो तब तो और भी दिक्कत। बाइक या साइकिल तो है नहीं जो थोड़ी दूर ऐसे ही घसीट कर लेकर चले जाओ, सो इस प्रॉब्लम से कार ओनर्स को ये गैजेट बचा सकता है। इट्स एन इलेक्ट्रिक टायर इन्फ्लेटर। प्रेशर की वैल्यू उसकी स्क्रीन पर सेट करके बस इसे टायर की नोजल में लगाओ, ऑन करो, एंड ये उसे कुछ ही सेकंड्स में कर देगा इन्फ्लेट। और रही बात इसकी खुद की चार्जिंग की, तो वेल इसे आप चाहो तो डायरेक्ट अपनी कार से ही फास्ट चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें कुछ और इमरजेंसी टूल्स भी हैं, लाइक एक ब्राइट लाइट, फ्लैश करने वाली रेड लाइट, एंड अपने आप में ये खुद एक पावर बैंक का काम भी करता है, तो इस इन्फ्लेटर से आप अपने स्मार्टफोन एंड लैपी जैसे डिवाइसेस को ऑन द गो चार्ज कर सकते हो। दोस्तों इसका प्राइस रहेगा 1,700 रुपए। और बात करें इस रोबो बुलडॉग की, तो भाई ये किड्स के लिए काफी कूल गिफ्ट हो सकता है बर्थडे या ऐसे किसी ओकेजन पर देने के लिए। इसमें आगे इसके माउथ के साइड एक ऑब्स्टिकल सेंसर लगा रहता है, तो चलते चलते अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा तो ये उसे डिटेक्ट करके वापस हो लेता है, उसमें टकराता नहीं है। हाथ एंड पैर सब एकदम मस्त मूव करते हैं इसके, एंड आईज पर होते हैं ग्लासेस जिन पर लगी LEDs एनिमेट होकर ग्लो करती हैं और इसे एकदम गैंगस्टर डॉगी वाला लुक दे देती हैं। दोस्तों इसे आप सिर्फ 600 रुपए में ले सकते हो, अगेन लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और स्टूडेंट्स के लिए ये गैजेट तो मस्ट हैव है, इट्स अ वियरेबल लाइट। इसे आप जो नेकबैंड वाली ईयरबड्स आती है ना, ठीक उन्हीं की तरह नेक पर पहन सकते हो, और फिर जब आप बुक रीड कर रहे होगे, कुछ पढ़ लिख रहे होगे स्टडी के टाइम, तो उस टाइम अगर रूम में अंधेरा होगा तो पेजेस आपको इस लाइट से क्लियरली दिखाई देंगे, यानी अंधेरे में भी इससे आप बिना किसी और को डिस्टर्ब किए अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। इनसे आपको कहीं पर भी हैंड्स फ्री लाइट मिल जाएगी। ये लाइट भी USB रिचार्जेबल है दोस्तों, और सिर्फ इतनी ब्राइट होती है कि आपको पेजेस वगैरह क्लियरली दिखाई, आंखों पर इनकी रोशनी स्ट्रेन नहीं डालती। प्राइस पर आ जाते हैं इनके, तो इनका प्राइस है 1,400 रुपए। अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को नेक में या बैक में पेन की प्रॉब्लम रहती है तो ये मसाजर दे सकते हो आप उन्हें, इंस्टेंटली तो नहीं बट हाँ 3-4 दिन यूज करने के बाद ये काफी हद तक उस पेन को खत्म कर देगा। वैसे तो भाई पोस्चर सही रखोगे बैठते एंड लेटते टाइम तो पेन वाली आधी दिक्कत तो वहीं से खत्म हो जाएगी। वेल इस मसाजर को सिंपली आपको जहां पेन है लाइक नेक में या बैक में, तो वहां पर रैप करके इसकी केबल को सॉकेट में प्लग इन कर दो, ऑन कर दो, बस ये मसाज स्टार्ट कर देगा। अब पेन कम है या ज्यादा उसी हिसाब से आप इसकी पावर एंड स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो, एंड ये इतना कॉम्पैक्ट तो है ही कि फोल्ड होकर आपके बैकपैक वगैरह में आ जाएगा, सो दैट लाइक ट्रैवल वगैरह करते टाइम ना इसे आप अपने साथ कहीं पर भी ले जा सकते हो। बचपन में हम एक ब्लैक कलर के कंसोल में जिसमें येलो बटन्स होती थी उसमें ऐसे ही पिक्सल्स वाले गेम्स खेलते थे, अगर आपको याद हो तो। वेल अगर चाइल्डहुड की उन्हीं मेमोरीज में वापस जाना हो तो यू कैन ट्राई दिस की चेन क्लासिक गेम बॉय। और जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसे आप अपनी कीज के साथ एज अ की चेन गैजेट लगा सकते हो। इसमें 4 बटन्स होती हैं और वही सारे गेम्स रहते हैं, प्लस साउंड इफेक्ट्स भी। बाकी गेम्स के अलावा ये आपका नाम एंड टाइम ये दोनों चीज़ें भी डिस्प्ले कर देता है। सो गाइज अब है आपकी बारी वीडियो करने के लाइक, सो इसे भी लाइक करके चैनल कर दीजिए साहब। नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले गैजेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। दोस्तों तो सेफ रहिए एंड करते रहिए एंजॉय। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ। बाय।